देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। ये लॉकेट हमें उसी जगह पर मिला जहाँ पुलिस ने जांच की थी। बेटा सृष्टि के पास तो ऐसा कोई लॉकेट नहीं था। भैया आपको कुछ पता है? अभिषेक बा, आप जरा देख के बताओ कि ये लॉकेट जो है जाना पहचाना लगता है। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं कहाँ खो गए, ये लॉकेटवा जो है इसे पहचानते हो? नहीं धानी, हमने तो नहीं देखा। ये पापा से पुलिस में दिखा देते, पता तो चले सबके पीछे कौन है। हाँ बचवा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम इस लॉकेटवा को पुलिस के हवाले ही कर देते हैं। आओ अभिषेक बा, थाने चलो हमारे साथ। हम पापा वो हमको दरअसल एक ऑफिस का काम याद आ गया है, तो आप चले जाइए। हाँ पूजा, वो अभिषेक जी आप ऐसे नीचे से ऊपर अचानक क्यों चले आए? वो कुछ काम था। काम था? ऐसा क्या काम था कि आपने पूरी अलमारी बिखेर दी? वो हमारे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी ना, तो चार्जर ढूंढ रहे थे। चार्जर? जितना धूप तड़पेगा उतना ही पांडे परिवार तड़पेगा, और यही तो चाहते थे ना हम, पांडे परिवार की बर्बादी। अब 3 साल बाद चैन की नींद सोएंगे हम। देवी जी किससे बात कर रही है फोन पर? कौन है जो ध्रुव जी को इस केस में फंसाने में इनकी मदद कर रहा है? अभिषेक जी, एक चार्जर के लिए आपने पूरी अलमारी बिखेर दी। चार्जर तो टेबल पर होता है ना? हाँ, वहीं तो पड़ा है, बताओ हमको देखा ही नहीं। अब घर में इधर सब कुछ चल रहा है ना, तो माथा जो है ना घूम गया है। अभिषेक जी हम आपकी हालत समझ सकते हैं, हम भी ध्रुव भैया और धानी को इस हालत में नहीं देख सकते। हमें पूरा यकीन है कि ध्रुव भैया ने सृष्टि के साथ कुछ गलत नहीं किया। पता नहीं हमारा ऐसा कौन सा नया दुश्मन आ खड़ा हुआ है जो इस तरीके से हमारी परिवार से बदला ले रहा है।
परेशान मत होइए, सब सही हो जाएगा। क्या है? क्या देख रही हो? दरअसल हम दरअसल क्या क्या ताक झाक लगा रखी है? मेरी शक्ल यहाँ है, यहाँ देखकर बात करो। देखिए, हमें प्लीज एक बार ध्रुव जी से मिले दीजिए, हम आपको उसके बाद बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, प्लीज। अच्छा, तो एक काम करते हैं धानी जी, यहाँ थाना में है ना, छोटी सी कुटिया बना लेते हैं ताकि आपको आने जाने में कष्ट ना हो। वो क्या है ना, हर 15 मिनट में आपको अपने ध्रुव जी से मिलना होता है तो आसानी हो जाएगी। हैं? ए, ये थाना है, तुम्हारी मौसी का घर नहीं है जो मुंह उठाकर चली आती हो। चलो निकलो यहाँ से। इसके चलो निकलो। इसके बाद आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं आपसे। क्या है, अगर हम बार बार फोन काट रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम अभी बात नहीं कर सकते। हमारा आदमी तुम्हें शाम को फोन करेगा, मिल लेना उसे। देवी जी, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, प्लीज मना मत कीजिए, हमें ध्रुव जी से मिलने दीजिए। दवाई लाई है आपके लिए। इसे लगा लीजिएगा। मुलजिम को बिना जांच पड़ताल के कुछ नहीं दिया जाता। क्या पता कोई खतरनाक चीज उसके हाथ लग गई तो। अब लगा। हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं ध्रुव जी। कहो। आप ना बिल्कुल नॉर्मल बात कीजिएगा, एकदम से रिएक्ट मत करना। हमारी वकील से बात हो रही है, उन्होंने कहा है कि आपको जल्दी यहाँ से बाहर निकालेंगे। अगर उस रात के बारे में आपको कुछ भी याद है, कोई भी ऐसी चीज़ जो शायद आपको पता हो, और अगर आप हमें बताएं तो इस केस में हमारी मदद हो। नहीं दानी, हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। कोशिश करते हैं कुछ याद करने की, अगर
याद आएगा तो हम जरूर बताएंगे। कोई बात नहीं ध्रुव जी, अगर आपको पता नहीं है तो हम कोई दूसरा तरीका अपना लेंगे पता करने का। लेकिन हम आपको यहां से बाहर जरूर निकालेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। देवी कुमार जी, मानसिक संतुलन ठीक है ना आपका? पापा, इनसे बात करके कोई मतलब नहीं है। प्रशांत तो चाहिए, चलिए बाहर चलते हैं। तीखा है पर क्या करे, सच है। आज तक हमसे पंगा लेकर कोई भी चैन की सांस नहीं ले पाया। अच्छा है, अपनी गलती का एहसास खुद ही हो गया। बेवकूफ। बात तो करने दो मुझे। पापा, आप समझ नहीं रहे, यहाँ जो जैसा लग रहा है वैसा नहीं है। सच कुछ और है और बहुत ही गहरा। सच कुछ और है बहुत गहरा। मैम, हम मतलब समझे नहीं। मतलब ये कि जब हम इंस्पेक्टर देवी से मिलने आए थे तो फोन पर किसी से बात कर रही थी। जितना धूप करतेगा उतना ही पांडे परिवार करतेगा। हम अभी बात करते हैं। नहीं, 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 नहीं। देखिए, ऐसा आपा खोके कोई फायदा नहीं होने वाला। हमारी सिर्फ एक ही प्रायोरिटी है, ध्रुव जी को यहाँ से सही सलामत बाहर निकालना। देखिए, अगर देवी कुमार को जरा सा भी अंदाजा हो गया ना कि इस बारे में हमें कुछ पता है तो कुछ सावधान हो जाएंगी और शायद कुछ गलत कर बैठेंगी। केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमें जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना है पापा। ये जानती नहीं काशीनाथ पांडे कौन है। बिल्कुल जानती है पापा, अच्छे से जानती है। इसीलिए सोच समझ कर अपना खेल खेल रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं हमें बहुत सोच समझ कर अपना अगला कदम उठाना है। अच्छा पापा, पहले आप हमें ये बताइए कि आप पहले इनसे कभी मिले थे क्या? कुछ हुआ था? कुछ जानते हैं इनके बारे में? या फिर हमारे परिवार का उनके परिवार के साथ कोई अतीत हो या ऐसा कुछ? नहीं धानी बच्चा, हमने इसे अपनी जिंदगी में पहले कभी देखा नहीं। हम नहीं जानते इसे। तो क्यों कर रही है वो ऐसा? सच क्या है? वो फोन पे किससे बात कर रही थी और हमारे ध्रुव जी को क्यों इतना नुकसान पहुंचा रही है वो? पापा, इस खेल में इनका कोई और साथ तो दे ही रहा है। हमें बस पता लगाना है कि वो कौन। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बच्चा, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। एक तरीका है। बताइए। हमरे बिटवा पर फर्जी मुकदमा लगा दिया। ये पुलिस थाना वाला ने, पुलिस का मतबल प्रोटेक्शन होता है, पुलिस का मतबल अत्याचार नहीं होता है। हमरा बिटवा पर अंदर और हमरी इज्जत पे हाथ लगा, हम बर्दाश्त नहीं करूंगा।
हम बर्दाश्त नहीं करूंगा। पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? ये कोई तरीका नहीं है अपने साथ, आप गलत कर रहे हैं। हाँ कमेन मैडम, जल्दी बाहर चलिए। क्या हुआ? वो बूढ़ा पगला गया, पता नहीं, चलिए बाहर। ये पांडे, हमरा बिटवा को हाथ लगाया तो खुद को भी आग लगा दूंगा, पूरा पुलिस थाने को आग लगा दूंगा। मीडिया को रोको, हटो हटो यहाँ से, ये क्या हो रहा है? हटो। पांडे जी, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? आग लगा दूंगा। तमाशा बंद करिए, कुछ हासिल नहीं होगा। शांत हो जाइए। हमें पास नहीं आना, आग लगा दूंगा। हम सच कह रहा हूँ, केरोसिन डाला हुआ हमने शरीर पर, हमने बेटा बेटा ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे साथ ऐसा कर रहे पुलिस वाले, पुलिस वाले कौन होता? पास नहीं आना। बकवास बंद करिए। अगर जान बूझ के खरोच लगाई ना अपने आप को तो याद रखिएगा, तो आपके बेटे से बदतर कर देंगे आपकी जिंदगी। आई बात समझ में? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पूरा सोशल मीडिया पर डालिए ये स्टेटमेंट, देखिए, ये देखिए, सरेआम धमकी दे रहा पुलिस वाला। काशीनाथ पांडे जी, आप सब ये क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ आपके बेटे के साथ, बताइए। धानी समझाओ अपने। ये धानी कहां गई? क्या हो रहा है बताइए। देवी कुमार, दरवाजा खोलिए, हमें बाहर जाना है। हम आपसे बात करें, पापा चिल्ला क्यों रहे, बाहर दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए, हमें बाहर जाके देखना पापा क्या कर रहे हैं, वो चिल्ला क्यों रहे इतना। चुप, काहे इतना नौटंकी कर रहे हो तुम? हैं, क्या है ये नौटंकी? ना किसी और को दिखाना। और मरना है ना तुम्हें, बहुत मरने का शौक है, तो मरो जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सीसीटीवी कैमरा लगे हैं यहाँ पर, अगर मर मरा गए ना तो एक उंगली नहीं उठेगी हम पर। और ये केस आसान हो जाएगा सोलक। अगर हमारे पापा को कुछ हुआ ना तो हम बता रहे हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, अरे वाह, मेरे मोहल्ले के सनी देओल हैं, बड़ा जोश चढ़ा है तुझे। सलाखे तोड़ो और आ जाओ बाहर और मिल लो अपने पापा से। चल चल तोड़। वैसे भी ये सलाखें जो है ना वो पुरानी हो गई हैं, नई लगवानी पड़ेगी। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। तोड़ो।
अपने बेटे के साथ का अत्याचार कर रहा। हम बर्दाश्त नहीं कर। शांत हो जाइए। ठीक है। हाँ, इंसाफ मिलेगा। कानून की आग पर पट्टी जरूर बंदी है, लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। ध्रुव जी ने कुछ गलत नहीं किया है, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। चलिए पापा, बंद कीजिए ये सब। हाँ, लगे रहिए। कट मत कीजिएगा। इंस्पेक्टर देवी सिंह, क्या पुलिस ने जबरदस्ती उनके बेटे को गिरफ्तार करके रखा है? जी नहीं, कार्रवाई चालू है। बताइए, जवाब दीजिए। पब्लिक को जवाब देना पड़ता है मैडम। उनकी तफ्तीश जारी है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जवाब दीजिए, क्यों उनको गिरफ्तार करके रखा है? हमें जवाब चाहिए। मैडम को परेशान मत करो, हटो यहाँ से। हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। इस कदर आपको मानने का कोई अधिकार नहीं है बलदार साहब। हमें जवाब चाहिए मैडम। हाँ, जवाब चाहिए हमें। खामोश क्यों है मैडम? जवाब दीजिए जवाब। आपने मीडिया पर हाथ उठाया है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आपका करियर और आपकी इज्जत पूरी तरह से खत्म। बिल्कुल जवाब चाहिए। तमाशा पहले से कम था तो बढ़ा दिए। दानी, इस फोन से कॉल करो। इस नंबर कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा और बात हम तक पहुंचेगी नहीं। हाँ, फोन करके देखो जरा, पता तो चले किसका नंबर है। हाँ हाँ बेटा, आखिर हमें भी पता चले कि इन सब के पीछे कौन है, किसका हाथ है, कौन करवाना चाहता है ये सब कुछ। वो लॉकेट किसका है, सृष्टि कहाँ है, कुछ सवालों के जवाब तो मिलेंगे।